ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। आज तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन कोई भी काम करें, ध्यान रखिएगा, सावधानी से करिएगा, अपनी लिमिट में करिएगा, क्योंकि आज कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पैसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है यदि, या पैसों से जुड़ी कोई आज आप प्लानिंग कर रहे हैं या किसी आप प्लानिंग में शामिल हैं, तो सावधानी से कोई कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आज आपकी धोखा खाने की संभावना है। वाणी पर काबू रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जोश में या किसी भी तरह के आवेग में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। धन लाभ होने के निश्चित तौर पर योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बिलारा से रामदयाल जी हैं, जो कि अपने पुत्र उमंग के लिए जानना चाहते हैं। उमंग की जन्म की तारीख है 21/11/2010 और इनके जन्म का समय है शाम का 7:55 का। रामदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी, रामदयाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, उमंग के बारे में पूछता था, उनकी पढ़ाई के अलावा बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए रामदयाल जी, आपके बच्चे का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ऊपर ही नाम आया है उदय, आपने उमंग नाम रखा है, बहुत अच्छा नाम है बच्चे का, और जन्म कुंडली भी उतनी ही अच्छी है जितनी इस बच्चे का नाम है, क्योंकि एजुकेशन हाउस में शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है, मीडिया के सेक्टर में बहुत बड़ा नाम कर सकता है। उसके साथ साथ में चंद्रमा उच्च का होकर द्वादश भाव में बैठा है, विदेशों के अंदर नाम कमा सकता है। इस बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य बुध बुध आदित्य योग शुक्र सब कुछ अच्छा है। आप इसके करियर के बारे में आपको चिंता नहीं करनी, जो समस्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके फिजिकल हाउस में, शरीर के घर में केतु बैठ गया, कई बार थोड़ा सा फिजिकल अनफिटनेस आ सकती है, तो साल में एक बार इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान आपको गौशाला में अवश्य करना है, गायों को खिलाना है, और महीने में एक बार इसका हाथ लगवा के पक्षियों को दाना जो है वो आपको अवश्य खिलाना है। बाकी इसकी जन्म कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है, हर लिहाज से देखें, अगर एजुकेशन लिहाज के देखें तो भी अच्छी है, लक फैक्टर, पिता के लिए भाग्यशाली, सब कुछ अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से सचिन जी हैं, जो कि अपनी बहन आरती के लिए जानना चाहते हैं। आरती जी की जन्म की तारीख है 9/3/2000, उनका जन्म का समय है रात का 11 बजे का। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, प्रणाम आपको, शुभ आशीर्वाद बेटा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जो छोटी बहन है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है, फिर भी उसके नंबर कम आते हैं, इसका क्या कारण है और इसका भविष्य कैसा रहेगा। देखो बेटा सचिन, आपकी जो बहन है आरती, तीन चार चीज़ें आप समझते जाइएगा। पहली चीज़ तो यह है कि इसका अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है, तो पैदा होते ही 27 दिन में अश्वनी नक्षत्र की पूजा होनी चाहिए। यदि वो पूजा हो गई है तो बहुत अच्छी, नहीं हुई है तो उस पूजा को करवाइएगा। दूसरी जो समस्या है वो समस्या है इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ सर्प दोष। ये जो कालसर्प दोष है जिसके कारण इसको जीवन में मिलेगा सब कुछ, लेकिन जब तक 200% मेहनत नहीं करेगी, जब तक 100% भी हासिल नहीं होगा। तो आपके पास में ही उज्जैन पड़ता है, जब आपको समय मिले एक बार इस बच्ची को ले जाइएगा, वहाँ पे इसके सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिए। तीसरी जो समस्या है वो इसकी जन्म कुंडली में शनि का नीच का होना, एजुकेशन, पढ़ाई के घर का जो स्वामी है शनि, वो नीच का होके बैठ गया। अब एजुकेशन हाउस का ऑनर ही नीच का हो जाए तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। तो एक तिकोना मूंगा आता है, ट्राइंगल मूंगा, तिकोना मूंगा जो लाल रंग का स्टोन होता है हनुमान जी महाराज के लिए, मंगल के लिए, तो उस मूंगे को या तो अंगूठी में पहना सके तो अंगूठी में पहना दीजिए, रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली के अंदर, चांदी में मंगलवार के दिन, या उसका पेंडेंट बना के गले में चांदी में डलवा सकते हैं। उससे क्या होगा, इसको जीवन भर मूंगा पहनना है, क्योंकि शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी करनी है, कि इसको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करने का भी बोली, सरसों के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। बाकी मेहनत करनी पड़ेगी, पर एजुकेशन के अंदर बहुत आगे जाएगी, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल लाइन में मत डालिएगा, मैनेजमेंट सेक्टर में डाल सकते हैं,
मीडिया लाइन में इस बच्चे को डाल सकते हैं। बाकी और सब चीज़ें अच्छी हैं और आने वाला जो समय है ये उपाय करवा लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर फायदा। चलिए अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिएगा। एक साथ बहुत सारे काम हाथ में मत लीजिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा और जो बिजनेसमैन दर्शक हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला दिन है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अनुशासित ढंग से किए गए लगभग सभी कामों में सफलता प्राप्त हो सकती है, दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा। चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों, जिंदगी को अनुशासन, संकल्पों और अच्छे आचरण से जिया जाए या साध लिया जाए तो फिर किसी भी कार्य में सफलता की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, भय संशय पैदा नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति का सार और प्रेरणा भी यही कहती है। हनुमान जी महाराज को अजर अमर माना गया है। कहते हैं कि आज भी इस कलयुग में भी वो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मौजूद है और यही एक वजह है कि हनुमान जी की आराधना सभी संकटों से मुक्ति दिलाती है, सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। हनुमान चालीसा का एक एक मंत्र जो है, एक एक श्लोक जो है, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आज मैं आपको एक विशेष हनुमान मंत्र बता रहा हूं जो यदि रोज सुबह आप स्मरण करें, उसका जाप करें, तो मेरा यह मानना है कि किसी भी लक्ष्य को पाने की राह में आने वाली जो बाधाएं हैं खत्म हो जाती हैं। आज मंगलवार है, आज से शुरू कीजिए। देखिएगा, आज इस मंत्र का जाप करेंगे और आप दिन भर देखिएगा कि आपकी जो हर्डल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और अशुभ बातों से रक्षा होगी। आइए जानते हैं प्रातः स्मरण हनुमान मंत्र को। लिखते जाइएगा, आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है। ओम ऐं ब्रीं क्लीं आंजनेयाय नमः। ओम ऐं ब्रीं क्लीं आंजनेयाय नमः। सरल सा मंत्र है, अंजनी पुत्र हैं, बीज मंत्र कहलाता है। तो स्नान के पश्चात श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को पवित्र जल से स्नान कराने के बाद में अष्टगंध, लाल चंदन, तिल का तेल, सिंदूर, सुपारी, नारियल, लाल पुष्पों की माला, गुड़, चने का प्रसाद अर्पण करें। लाल वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठ के मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात मिठाई का भोग लगाकर धूप, दीप और कपूर आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। इस तरीके से इस मंत्र की आराधना निश्चित तौर पे आपके दिन को कामयाब बनाती है, आपके हर्डल्स को खत्म करती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।